अरे ये आवाजें कहाँ से? अरे इनके साथ मामला कर दिया। अरे बम मामला कर दिया। ओ खाई का पान लहोरी वाल, अरे खुल जाए मेरी अकल का ताल। अरे फिर तो लाठी करे धमाल सीधी, कर दे पाकिस्तान की चाल। रे छोरा लाहौर में रहने वाल, अरे छोरा लाहौर में रहने वालो। अरे मैं कौन आ रहा है? अरे मैं कौन हो? अब बताते हो कि बजाऊं लाठी? अरे मैं हूँ। अरे हाथ को उठा रहे रे। अबे ओए मैं हूँ। अरे जी जनाब, मैं हाथ वाथ नहीं उठा रहा हूँ, अपन तो लाठी उठा रहा है लाठी। और ये मैं क्या लगा रखा है जी जनाब? अरे मोहतरमा बकरी आई है, बांध दो, रस्सी लेके आओ, जरा बांध देता हूँ इनको अभी। अभी कमीज की औलाद, मैं हूँ मैं मौलाना मसूद। तेरी हिम्मत कैसे हुई रे मेरे पे हाथ उठाने की? हिम्मत कैसे हुई तेरी? अरे मौलाना साहब, अरे अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। अरे मौलाना साहब, मुझे क्या पता अब आप चोरों की तरह कैसे दाखिल हो रहे हो यहाँ पे? हाँ मौलाना साहब, मैं पहचान नहीं पाया आपको, गलती हो गई मौलाना साहब, मेरी गलती, माफ कर देना मौलाना साहब, खुदा से दरख्वास्त कर देना, माफ कर देना मौलाना साहब। क्या बताऊं उस्मान यार, ये हिंदुस्तान का मोदी तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया, ना तो ये खाने देता है ना हंगने देता है। तो मौलाना साहब यहाँ फारिग होने के लिए आए हैं? अजी मोहतरमा, जरा वो घुसल खाने में ना इत्र बित्र छिड़क देना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मौलाना साहब वो जो हिंदुस्तान की गोली काम नहीं कर पाई वो काम पाकिस्तान की टट्टी कर दे। है आपको तो पता ही है जनाब कि आजकल तो टमाटर बिना फारिग होने में भी मजा नहीं आता जनाब। अब हिंदुस्तान ने टमाटर कर दिए बंद, तो अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा मौलाना साहब, कसम खुदा की कुछ करिए जनाब। अभी खामोश, मैं मोदी गडर की बात कर रहा हूँ जिससे मैं थर थर कांपता हूँ, थर थर कांपता हूँ। अजी क्या बात कर दी जनाब, यहाँ पाकिस्तान में तो वजीर आलम इमरान खान साहब की भी हिम्मत नहीं है कि आपको पकड़ सके जनाब, बिल्कुल हिम्मत नहीं है उनमें। अब अच्छा, ये इमरान खान जो है उसको सिर्फ वो गेंदे फेंकना आता है, बम और मिसाइल फेंकना नहीं आता उसको, और वो सिर्फ क्रिकेटरों के विकेट ले सकता है, और वो भी है ना वो सिद्धू जैसे क्रिकेटरों के, जो खाते तो हिंदुस्तान का है और खाते पाकिस्तान का है। ये सहवाग जैसे क्रिकेटरों के विकेट भी नहीं ले सकता अपना इमरान खान, बात करता है यहाँ पे। पर जनाब, हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान से बेहतर टैंक है, मिसाइल है, एयरक्राफ्ट है, उनके पास क्या है जनाब हमारे से बेहतर? क्या है उनके पास? उनके पास अभिनंदन है, और उनके पास मोदी है, मोदी। और तो जिन हथियारों की बात कर रहा है, मिसाइलों टैंकों एयरक्राफ्ट की बात कर रहा है, वो एक बात पता, तेरी अम्मा लेने गई थी या तेरा बा लेके आया था? मौलाना साहब वो सब छोड़ गया, आप तो ये बताइए कि वो जो हिंदुस्तान की जो एयर स्ट्राइक हुई थी ना, उस एयर स्ट्राइक में, अरे वही बालकोट वाली, तो स्ट्राइक में हमारा कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना, कोई नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ ना? वो पाकिस्तान का मीडिया लगा रहा है, उधर हिंदुस्तान का मीडिया लगा रहा है, तो असलियत तो आप ही को पता है जनाब, बता दीजिए हमको कोई नुकसान हुआ क्या वहाँ पे? है जनाब नुकसान? अरे वहाँ तो बर्बादी हुई है, बर्बादी। मोदी की सेना ने एक एक फिदायिनी को चुन चुन के मारा है, ऐसा लग रहा था जैसे वीडियो गेम खेल के बम गिरा रहे हो। एक एक फिदायिनी को जन्नत पहुंचा दिया उसने, जन्नत। बात करता है नुकसान के। जन्नत नहीं जनाब, जहन्नुम कहिए, जहन्नुम। चिंता मत करिए, अभी यहाँ आपके और मेरे सिवा कोई नहीं है, तो आप सच बता सकते हैं जनाब, जहन्नुम में ही गए होगा। जन्नत जैसे काम तो किए नहीं थे उसने कत्ताई, किसी ने नहीं किए थे साहब, काम तो जन्नत जाने के, सब जहन्नुम जाने के काम थे साहब। अबे आहिस्ता बोल आहिस्ता, वो नया हिंदुस्तान है, आजकल ये हमारे घर के अंदर घुसाते हैं हर टाइम, मुझे तो ये बम बंदूक मोदी और अभिनंदन का डर लगा रहता है। क्या मौलाना साहब, आप कब से डरने लगे साहब? आप तो कत्ता ही नहीं डरते थे।
अरे जब से वो अभिनंदन मुझे डरा के गया है, खुदा कसम उसकी हंसी अभी भी यह हथौड़े जैसी पड़ रही है, हथौड़े जैसी। वो क्या सतानी हंसी थी, मैं उसको डरा रहा था लेकिन डर मुझे लग रहा था, इतनी खतरनाक हंसी थी उसकी। How's the chores? Always high. तो आगे क्या करना है मलान साहब? आदेश दीजिए साहब, अब बंदा हाजिर है जनाब। रब काबा की कसम, जब तक हम अपने अपमान का बदला ना ले ले, जब तक जैसे मोहम्मद का पुराना रुतबा उसे ना दिला दे, और जब तक कश्मीर को बारह साल लगने लकड़ ले, तब तक हम ना खाना खाएंगे ना पानी पियेंगे, तब तक हमारे लिए पानी की एक बूंद भी हराम है, हराम। अरे मौलाना साहब, ये तो जिंदगी भर का रोजा हो गया, बताओ अब आप खा पी रख सकते हैं नहीं साहब? मैंने तो आपके लिए साहब दावत का इंतजाम किया था, और पता है क्या क्या लाइट लाया था मैं दावत में? वो पंजाब का तंदूरी चिकन था, और दिल्ली वाला बटर चिकन था, और राजस्थान की दाल बाटी थी मस्त वाली, और वो हैदराबादी बिरयानी मजा आ जाता साहब, और हाँ ऊपर से था वो बंगाल का रसगुल्ला, वाह मीठा में तो रसगुल्ले का जवाब नहीं साहब। हम तशरीफ रखते हैं, आप जल्दी से खाना लगाइए खाना। पर मौलाना साहब, अभी तो आप कह रहे थे कि पानी की एक बूंद भी हाथ नहीं लगाऊंगा, तो मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। अरे ये फल फ्रूट हटाइए आप, और आप वो जो लजीज खाने की बात कर रहे थे वो हमारे यहाँ परोसी है। आप इतना भी नहीं समझते कि हम हिंदुस्तानियों को तो खा नहीं सकते, कम से कम हम उनका खाना खाकर संतुष्ट हो जाए, हमें ऐसा लगेगा उनका खाना खाने के बाद कि जैसे हमने सच में पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हैदराबाद और बंगाल को फतेह कर लिया। फतेह, आमीन आमीन आमीन। बात तो एकदम 100% की कही है साहब आपने, हम हिंदुस्तान को तो कभी जीत नहीं सकते, अब उनका ये खाना चक्कर कहीं ऐसा लगेगा कि हमने इन सब को फतेह कर लिया साहब। अरे मौलान साहब घबराइए मत, ये पास के घर में निकाह हो रहा है तो उसी खुशी में पटाखे चलाए जा रहे हैं। अरे मौलान साहब डरिए मत, अरे ये आवाज़ें खा दी, अरे हिंदुस्तान ने हमला कर दिया, अरे बम हमला कर दिया, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, उससे मेरा हौसला बढ़ेगा। और हाँ, नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस करना ना भूलें कि सही टाइम पे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।